5 बज रहे हैं, हम सब रेडी है जाने के लिए। Hey, good morning guys, this is another day। अभी 5 बज रहे हैं, हम सब रेडी है जाने के लिए। चलिए आज का दिन एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या मिलता है देखते हैं, और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलता है, और क्या होता है, और स्नोफॉल वगैरह मिलता है कि नहीं रास्ते में देखते हैं। और ये रहा हमारा वो घटिया सा। तो गाइस ये हमारा होटल का बैल्कोनी है, कॉमन बैल्कोनी है, सारा रूम का पर्सनल बैल्कोनी तो नहीं है। तो अभी होटल से क्या व्यू मिल रहा है दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वहाँ पे पहाड़ियों में बादल आ रहा है ऊपर में, और कंचनजंगा भी दिख रहा है होटल से। तो कंचनजंगा दिख तो रहा है पर उतना भी मतलब क्लियर से नहीं विजिबल है, वो थोड़ा छुपा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर शायद ही दिख रहा है अच्छे से, नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि कैमरा में उतना ज़्यादा ठीक से नहीं दिख रहा है। तो चलिए बिना लेट किए काला पत्थर के लिए रवाना होते हैं। हमारा ट्रिप का आज दूसरा दिन है, तो हम अभी है लाचेन में, लाचेन से अभी हम निकलेंगे, निकल के जाएंगे थांगू वैली होते हुए इस पॉइंट पे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे काला पत्थर, काला पत्थर में कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे इस पॉइंट पे, फिर जाएंगे गुरुडंगमार लेक, गुरुडंगमार लेक में कुछ देर तक रहेंगे। गुरुडंगमार लेक में रहने के बाद हम वापस आएंगे लाचेन में, और लाचेन में लॉन्च करेंगे, तब तक शाम हो जाएगा, फिर चुंगथांग होते हुए हम जाएंगे लाचुंग में, लाचुंग में नाइट स्टे करेंगे, डिनर करेंगे, और फिर अगला दिन सुबह शुरू होगा यंगथम वैली और 0 पॉइंट वाला टूर। तो हम लोग निकल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे ब्रिज में थोड़ा देर के लिए रुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पास वेरिफिकेशन कर रहा है, तो वो ड्राइवर जो है हमारा वो पास वेरिफिकेशन करवा रहा है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं काला पत्थर, तो मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, काला पत्थर मतलब ब्लैक रॉक। इस पहाड़ियों में सारा पहाड़ ब्लैक कलर का है, यानी कि काला कलर का है, तो इसलिए जो है इसका नाम काला पत्थर पड़ा है। जब हम पहुंचेंगे काला पत्थर में आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा सारा पहाड़ी ब्लैक कलर का है, और उसके ऊपर व्हाइट वाला स्नो है। ये जगह साल का हर महीना बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, और इसका टेम्परेचर हर वक्त 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर उसके नीचे रहता है। गाइस आप एक बार नज़ारा देखिए, एकदम बादल से यहाँ पे एक नदी बहता हुआ नीचे आ रहा है, यानी कि वाटरफॉल्स, कितना सुंदर है। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का गाड़ी थोड़ा देर के लिए रुका है, थोड़ा ब्रेक लेने के लिए, बहुत देर से हम लोग बैठे थे इसके। हम लोग खुशनसीब है कि आज भी वेदर स्टेबल है, वरना पहाड़ियों में तो हर वक्त वेदर चेंज होता रहता है, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी तक तो ठीक ठाक ही है वेदर। तो गाइस फिर से हम लोग आते हैं काला पत्थर के टॉपिक पर। सर्दियों में तो काला पत्थर में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर में। तो ये बेसिकली थांगू वैली का एरिया है, इसके बाद आएगा चोपता वैली, और ये दोनों वैली के ऊपर ही वो सिचुएटेड है काला पत्थर। गाइस ये जगह रिस्ट्रिक्टेड किया गया है इंडियन आर्मियों के द्वारा सिविलियन के लिए, यहाँ पे एक तय किया हुआ जगह तक ही आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, और वो तय किया हुआ जगह तक भी जाने के लिए आपको अलग से परमिशन करना पड़ता है। आप जो गुरुडंगमार के लिए पास बनाओगे उससे ये वैलिड नहीं होता है, इसके लिए यहाँ आके फिर से अलग से पास बनाना पड़ता है, या फिर मंगोन से, या फिर लाचेन से, या फिर लाचुंग से आपको यहाँ आने के लिए अलग से एक पास बनाना पड़ता है। वो आपका ड्राइवर लोग या फिर जो जिस ट्रैवल एजेंसी से आप लोग आते हैं वो खुद से यहाँ आके कर देगा। तो रास्ते के साइड में जो भी ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ लोग दिख रहा है वो हम लोगों का ITEP का जवान है, हम लोगों के सुरक्षा के लिए वो यहाँ तैनात है। गाइस फिर देखिए एक वाटरफॉल, यहाँ का जो खूबसूरती है ना गाइस, ये मतलब बातों से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, यहाँ आपको आके महसूस करना होगा अंदर से, तभी जाके बात बन पाएगा। यहाँ का जो खूबसूरती है गाइस बातों से मतलब बयां नहीं किया जा सकता है। तो होटल से 2-3 पैकेट ब्रेड दिया था और जैम दिया था, तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, अभी यहाँ पे फ्राई करेगा वो ब्रेड, फिर जैम ला के खाएंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ। और अभी टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 7:30 बज गया है, और व्यू तो बहुत बढ़िया है यहाँ से, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, लाजवाब है एकदम। इस
पीछे देखिए, पीछे तो देखो। तो गाइस ब्रेकफास्ट में वही घिसा पीटा ब्रेड और जैम नसीब हुआ। दो पीस ब्रेड से क्या होता है ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं होगा गाइस, आपको वो खुद से ब्रेकफास्ट करना ही होगा। ट्रैवल एजेंसी का ये स्कैम है, ब्रेकफास्ट के नाम पर दो पीस ब्रेड बस। गाइस ये सब जगह देख के, ये सब व्यू देख के, इतना खूबसूरती देख के ना अंदर से एक अलग ही सुकून आ रहा है। मतलब वो ये भी मतलब बयां नहीं किया जा सकता है। प्लीज़ आप लोग आइए और इसको रियलाइज़ करिए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मतलब कहीं भी, मतलब अपने खुद के लिए टाइम निकालिए और निकल पड़िए बस। आर्मी को पूछा ना तो उसका बच्चे उल्टी कर रहा था ना, आर्मी ने बोला वो आर्मी को ऑफिसर ने उल्टी कर रहा था ना छोटा बच्चा, मैं बोला हाँ, वो लोग चला गया आर्मी ने बोला। तो गाइस बात यह है कि हम लोगों के साथ एक छोटा सा प्यारा सा बच्ची थी, इसका उम्र महज 6 साल है। तो उसका तबीयत अचानक बिगड़ गया क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की वजह से, तो उसको तुरंत ही मतलब आर्मी हॉस्पिटल यहाँ पे है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसको एडिशनल ऑक्सीजन देना पड़ा है। तो ये हादसा हो गया हम लोगों के साथ, तो हम लोगों को भी बहुत ख़राब लग रहा है। उसका जो पेरेंट्स है वो भी वही हॉस्पिटल में है। तो गाइस जैसा नाम वैसा काम, तो हरियाली जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा और ये जो ब्लैक कलर का पत्थर का जो पहाड़ है वो धीरे धीरे कैप्चर कर लेगा पूरा एरिया। तो गाइस काला पत्थर का जो एरिया है वो दिखना अभी से शुरू हो गया है और थोड़ा बहुत स्नो भी दिख रहा है। अभी तो हम वहाँ पहुँचे भी नहीं हैं और ठंडा भी थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है, मतलब ज़्यादा ठंडा लग रहा है अभी तो। और यहाँ का जो रास्ता का हालत है वो भी गाइस कुछ ठीक नहीं है, ज़्यादा आगे और भी ख़राब होगा। तो हम लोग के बाएं साइड में जो है वो बहुत गहरा खाई है, देख के थोड़ा डर लगेगा ऑब्वियसली, और कोई बैरिकेड वगैरह भी नहीं है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा रिस्की है। तो पता नहीं गाइस आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है कि नहीं, तो इस पहाड़ी में देखिए अभी के लिए जगह जगह पे कहीं कहीं पर मतलब घास का जो लेयर है वो है और कहीं कहीं पे नहीं है। तो ये मैंने पूछा कि ये किस कारण है, तो मुझे जो आंसर मिला वो है कि जब स्नोफॉल होता है ना सर्दियों में तो पूरा स्नो से ढक जाता है, फिर वो जब पिघल के नीचे आता है ना पानी होके मतलब गर्मियों में, तो वो जो मिट्टी है उसको लेयर को ले के नीचे आता है, तो पहाड़ का हालत कुछ ऐसा हो जाता है। फिर ये नज़ारा देख के ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी स्वर्ग के द्वार में आ चुके हैं और प्रवेश करने ही वाले हैं। तो पूरा एकदम बादल छाया हुआ है, शायद मतलब ऊपर पूरा बादल है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी, कालापत्थर का जो व्यू पॉइंट है वहाँ। अभी तो रास्ता पूरा जिगजैग वाला है, देख ही सकते हैं आप, और जितना ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे रास्ता का हालत भी उतना ही ख़राब होते जा रहा है। और कैमरा में उतना खाई मतलब नहीं महसूस कर सकते हैं आप लोग जितना एक्चुअल में है। जगह जगह पे आपको ऐसा रास्ते को चीरता हुआ पानी का जो वाटरफॉल या फिर कुछ भी झरना कोई भी हो वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे तो रास्ता ही गायब है और लग रहा है कि हम लोग मतलब वाटरफॉल्स के ऊपर से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा है ये फीलिंग भी, मतलब अच्छा लग रहा है देख के भी। तो अब शायद हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो हम लोग लगभग आ चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग काला पत्थर या काला पानी आ चुके हैं जो भी है। पूरा जैसे कि देख ही सकते पूरा बादल छा गया है और इधर एक खाने का दुकान है, अभी जाएंगे खाने के लिए। कुछ बहुत भूख लगा है क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड मिला था सिर्फ, और एक मैगी ऑर्डर किया था, मैगी इतना कम था ना, इनसफिशिएंट था। तो ये दुकान में बस मिला है यही खाने के, नसीब हुआ। टेस्ट तो ज्यादा अच्छा नहीं है पर क्या करे, भूखा है ना, कुछ भी खाने के लिए तैयार है अभी तक। तो बस खाना वाना हो गया और आप लोगों को दिखाते हैं अभी काला पहाड़ या क्या काला पानी का खूबसूरती से आ गया। तो ये है आइस, और अगर आप बर्फ में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जगह जगह पे मिल जाएगा ऐसे स्नो वाला शू, ठीक है, आप ले सकते हैं 100 रुपया करके लेते हैं। यहाँ भी है, वहाँ भी है, पूरा रास्ते में है। तो अगर आप आते हैं तो लेना है तो ले सकते हैं। तो गाइस अभी यहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और टेम्परेचर भी नेगेटिव में है, तो हालत ख़राब हो रहा है।
और ऊपर से थोड़ा बहुत सांस लेने का भी दिक्कत हो सकता है, मतलब सांस फूल सकता है थोड़ा बहुत बस। तो गाइस अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ आने का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा होगा। तो अगर अभी मैं जा रहा हूँ जैसा ठंडा मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर इतना ठंडा में आपको काम चलता है तो आपको आना चाहिए मार्च से जून के बीच में, और जून के बाद फिर मतलब बर्फबारी होना शुरू हो जाता है और बारिश भी होता है नीचे, तो परमिशन नहीं मिलता है। और अगर आपको ये ठंड से भी मतलब शांति नहीं मिलता है तो आपको इससे भी ज़्यादा ठंडा चाहिए या फिर आपको स्नोफॉल वगैरह देखना है तो आप आ सकते हैं दिसंबर से फरवरी के बीच में, पर पूरा प्रिपरेशन लेके ही आइएगा। अभी मतलब वीडियो में शायद ही आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं कितना ठंडा है और कितना हवा चल रहा है, और विंटर में तो इससे भी 2 गुन 3 गुन 4 गुन हो जाएगा। तो काला पानी का टूर जो है वो बस हो गया, कुछ नहीं है और, तो वो तो यही ख़त्म होगा और जाते जाते कुछ अच्छा वाला व्यू मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आना ना आना आप लोगों की मर्जी, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, घूमने के रिगार्डिंग, पैकेज के रिगार्डिंग, तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूँगा।